नमस्ते नमस्ते दोस्तों, आज हम बीकानेर के से लगभग 12 किलोमीटर दूर हैं और हम आज यहाँ हैं जोड़बीर संरक्षण केंद्र। जोड़बीर जो है वह मुख्य रूप से असम सरकार द्वारा एक संरक्षित वन जो उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। यहाँ पर दो तरह के गांव से मिलकर बनाए, जोहड़ और बीड़, ये दो तरह के गांव हैं, दोनों को आपस में मर्ज करके गांव बनाए हैं जोड़बीर। हमारे पीछे देख रहे ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन दिल्ली बीकानेर रूट के ऊपर है, जो 9:30 बजे दिल्ली वाली ट्रेन है ये जा रही है। सामने यहाँ पे देखें तो ये बीकानेर लाडलू नापासर वाला मार्ग यहाँ है, ये दोनों से वेल कनेक्टेड है और लगभग बीकानेर से ईस्ट दिशा में 12 किलोमीटर दूर ये बीकानेर नापासर मार्ग पर है जोड़बीर, जो कि गाढ़वाला का छोटा गांव है, उसका दो छोटे गांव है। जोड़बीर का यह जो इलाका है राजस्थान सरकार द्वारा अधिग्रहित है और इसको संरक्षित वन के रूप में बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रैप्टर्स जिसमें सिनेरियस वल्चर, ग्रिफन वल्चर, हिमालयन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर और यूरेशियन वल्चर, और साथ में ही जो बहुत ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल जो यहाँ की रैप्टर्स हैं जैसे ईस्टर्न इंपीरियल ईगल ये और लॉन्ग लेग बजार्ड और भी बहुत सुंदर जैसे सकर फाल्कन, लगर फाल्कन इत्यादि यहाँ खूब मात्रा में आए हुए हैं। और अभी मैं आपको डंपिंग क्षेत्र में भी लेके जाऊंगा। डंपिंग क्षेत्र राजस्थान सरकार द्वारा एक अधिग्रहित क्षेत्र है जहाँ पर कि सारे शहर के मृत जानवर पशु पशु डालते हैं और इनको खाने का प्रचुर मात्रा में सामान है, तो यहाँ पर डॉग्स खूब ज़्यादा हैं और सारे के सारे मांसाहारी डॉग्स हैं और मांसाहारी भी है, साथ ही सभी प्रकार के गिद्ध यहाँ पे सामूहिक भोज करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ का पे अगर आप आए तो एक बात जरूर ध्यान रखें कि ये लोनली इलाका है, यहाँ पे मोटरसाइकिल वगैरह से ना आए क्योंकि ये डॉग्स हैं जो खतरनाक डॉग्स हैं और दूसरा जंगल है, जल्दी से कोई हेल्प नहीं मिल सकती। दूसरी बात, यहाँ पर मास्क लगा के ज़रूर आए क्योंकि यहाँ पर इतना बदबूदार स्मेल है, फॉल स्मेल है, दुनिया भर के बैक्टीरिया है, तो वो आपकी सेहत के लिए ज़रूर हानिकारक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड इलाका लगता है यहाँ। अगर हवा या फिर आप जाएँ तो ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ पर हवा के अगेंस्ट डायरेक्शन में रहें, जहाँ पर कि आपको ये बदबू नहीं आए और आपको कीटाणुओं से बचा नहीं बचा। और जहाँ तक आप आए तो यहाँ पे मेडिकेटेड मास्क जरूर लेके आएं, तो मेडिकेटेड मास्क से आपका बचाव रहेगा, आप बाहर से आए हैं तो ये ठीक है। वैसे यहाँ अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक खूब ज़्यादा में मात्रा में ये बर्ड्स हैं जी, स्पेशली रैप्टर्स हैं, लगभग 290 वैरायटी के बर्ड्स यहाँ मिल जाएंगे आपको, तो आप इसको देखें, ये बहुत अच्छा लगेगा। इस पर मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, इसके अंदर मैंने सभी प्रकार के बर्ड्स हैं जो रैप्टर्स हैं इनकी मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप डाली है, कृपया जरूर देखें। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और आनंद लें। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएँ और कमेंट तो ज़रूर दें, क्योंकि कमेंट ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं आपके विचारों से अवगत होऊंगा और आपके मार्गदर्शन के अनुसार, आपके सुझावों के अनुसार मैं आगे बढ़ पाऊंगा। कोई बात अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करना और अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करना, ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए ऐसे निरंतर अच्छे उपयोगी वीडियो वाइल्ड लाइफ के ऊपर डालते रहें। मेरे पीछे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे ग्रिफन वल्चर हैं। ग्रिफन वल्चर में दो वैरायटी हैं जो एक साथ दिख रही हैं, इसमें एक तो ग्रिफन है और एक है हिमालयन वल्चर। ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वैसे शायद हम इसको इनको इसका श्रेय भी कम ही देते हैं। इनके बारे में हम चाहे जैसे भी राय रखते हों, लेकिन इसके बारे में एक बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट साफ है कि वे आज खतरे में हैं। पिछले दशक के दौरान भारत, नेपाल, पाकिस्तान में उनकी तादाद 95% तक की कमी आई है।
पर ऐसे ही रुझान पूरे अफ्रीका में भी देखे गए। ये पक्षी, ये गिद्ध जिन शवों को खाते उनसे उनके शरीर में या तो जहर पहुंच रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि जानवरों को दी जाने वाली डाइक्लोफेनिक और ऑक्सीटोसिन दवाओं के कारण ऐसा हो रहा है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे शिकार के कारण इनकी संख्या घट रही है। इनका शिकार इसलिए भी किया जा रहा है कि ये गेंडों और हाथियों की मौत के बारे में चेतावनी दे देते हैं, जो कि उससे इसको टाला जा सके, इसलिए इनका शिकार भी बेदर्दी से हो रहा है। साइमन थॉमसेट जैसे एक इकोलॉजिस्ट थे, संरक्षणवादी थे, जो पक्षियों की दुर्दशा को देखकर ये ऐसा काम कर रहे थे। उन्होंने भी बताया कि ये सबसे ज्यादा बुलंद उड़ान भरने में माहिर होते हैं। गिद्ध सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है। इसकी सबसे ऊंची उड़ान को रूपेल्स वेंचर ने 1973 में आइवरी कोस्ट में 37,000 फीट की ऊंचाई पर रिकॉर्ड किया था, जब इन्होंने एक हवाई जहाज को एक्सीडेंट होने से बस बार बार ही बचा था। ये ऊंचाई एवरेस्ट से भी ऊंची 29,029 फीट से भी अधिक ऊंची थी, और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से ज़्यादातर दूसरे पक्षी मर जाते हैं। थॉमसेट वैज्ञानिक हैं जो बताते हैं कि इसके बारे में गिद्ध को लेकर हुए अध्ययनों से उनके हीमोग्लोबिन और उनके हार्ट की संरचना में कई ऐसी विशेषताओं के बारे में पता चला जिसके चलते वह असाधारण वातावरण में, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो एनवायरनमेंट में भी, वहां पर भी वे सांस ले सकते हैं जहां पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल मिनिमम है। और ये गिद्ध भोजन की तलाश में एक बड़े ऊंचे इलाके पर नजर डालने के लिए अक्सर ऊंची उड़ान भरते हैं। थॉमसेट के जर्नल में ये पता लगा कि अफ्रीका में पाए जाने वाले प्रत्येक पर्यटक को लगता है कि जंगली जानवरों को खाने में सबसे आगे शेर, हाइना, तेंदुए, चीते, जंगली कुत्ते और गीदड़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं। एक उदाहरण में अफ्रीकी क्षेत्र सेरेंगेटी का उदाहरण मिलता है, जहां पर अनुमान के मुताबिक हर साल मृत पशु पक्षियों का सड़ा मांस और कंकाल कुल 4 करोड़ टन से अधिक होता है। और थॉमसेट बताते हैं कि मांसाहारी जीव जो स्तनपायी है, स्तनधारी है, इनके केवल 36% हिस्से को ही खा पाते हैं, बाकी गिद्धों के हिस्से में आता है, और इस संसाधन के लिए जीवाणु और कीड़े गिद्धों का मुकाबला करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी गिद्ध ही सबसे बड़े इनके मांस के, सड़े गले मांस के उपभोक्ता भी होते हैं, और ये बीमारियों को फैलने से रोकते भी हैं। जंगली कुत्ते जैसे मुर्दा घरों को की संख्या सीमित करने में भी मददगार साबित रहती है। इनको कोई सरहद रोक नहीं पाती, ये एक इलाके से दूसरे इलाके में बड़े प्यार से गुजले जाते हैं। गिद्ध अपने भोजन के लिए काफ़ी दूरी तय कर लेते हैं। रूपेल वेंचर ने, जो वैज्ञानिक थे 73 के, उन्होंने हाल में बताया गिद्ध को तंजानिया में अपने घोंसले से उड़ान भरते हुए केन्या के रास्ते पर सूडान और इथोपिया तक सैर करते हुए कैमरे में कैद किया हुआ है। शोधकर्ताओं में ही एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने पाया कि सूखे के दौरान केन्या के मसाई मारा रिजर्व से ये पक्षी जंगली हिरणों का पीछा करते हुए अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थानों तक, बल्कि मैं कहूँ एक देश से दूसरे देश तक ही चले जाते हैं। सीमाओं को पार करने की इस आदत के कारण इन पक्षियों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। एक बात तो सऊदी अरब में स्थापित मीडिया ने इन पक्षियों को इसराइली जासूस होने का भी आरोप लगाया है। दक्षिण अफ्रीका के एक केप गिद्ध एक सीध में करीब 1,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेते हैं और विशाल खम्भों का अनुसरण करते हैं। ऐसा मानव निर्मित चीज़ों की मदद लेने से अपने आप में जोखिम भी है। बिजली के खंभों पर ठहरने से या घोंसला बनाने से या तारों में चिपक जाने पर, शॉर्ट सर्किट हो जाने से करंट लगने का जोखिम भी रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं।
ये एक सुंदर चमकीला पक्षी ईस्टर्न इंपीरियल ईगल कहलाता है। ईस्टर्न इंपीरियल ईगल का ईगल को स्थानीय भाषा में जुमीज या सालंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक दुर्लभ प्रजाति का प्रवासी पक्षी है जो केवल माइग्रेशन के दौरान सर्दियों में ही उत्तरी व मध्य भारत के प्रवास पर आता है। ये एक बड़े आकार का पक्षी है और एक वयस्क बाज का शरीर गठीला काले भूरे पंख गर्दन पर सिर का रंग हल्का पीला व सुनहरा होता है चमकीला। इसकी पूंछ का रंग सलेटी भूरा और कंधे के दोनों तरफ सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। इसका सिर बड़ा होता है, पंजे काफ़ी ज़्यादा मजबूत और नाखून नुकीले व घुमावदार होते हैं। इनकी आँख का रंग भूरा होता है, चोंच पंजे व नाखून पीले रंग के होते हैं। यह प्रकृति में भोजन श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण घटक है, इस कारण दुनिया में काफ़ी क्षेत्रों में इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ईस्टर्न इंपीरियल ईगल शिकार छीनकर खाने में माहिर होता है। ये एक बड़ा शिकारी पक्षी है जो कई घंटों तक किसी पेड़ की ऊपरी शाखाओं या जमीन पर बैठे रहते हैं। ये पक्षी खुले क्षेत्र या खेतों को पसंद करते हैं जहां आसपास कहीं पर कुछ पेड़ हों, ऐसी जगह पर ही रहना पसंद करते हैं। ये आसमान में उड़ते हुए अपने शिकार को देखकर अचानक हमला कर देते हैं। ये मुख्यतः सरीसृप, रेप्टिलियंस, गिलहरी, खरगोश पक्षियों को अपना छोटे पक्षियों को चूहों को अपना भोजन बनाते हैं। खेतों के आसपास पाए जाने वाले खरगोश कुछ जहरीले सांपों को भी खा जाते हैं। बाज की यह प्रजाति अन्य शिकारी पक्षियों की तरह उसका शिकार छीनकर खाने में माहिर होती है और ये अन्य शिकारी पक्षियों से भी जैसे स्टेपी ईगल या अन्य से भी अपना शिकार छीनकर खाने में माहिर होता है। कभी कभी मानव पर भी हमला कर देते हैं, ऐसा कई इसके दृष्टांत सामने आए हैं। इन पक्षियों में नर व मादा एक जैसे दिखते हैं। मादा आकार में नर से बड़ी होती है। नर व मादा इंपीरियल ईगल 4 वर्ष की आयु में जोड़ा बनाते हैं और एक बार जोड़ा बनने के बाद जीवन भर साथ रहते हैं। इस पक्षी के प्रजनन का समय मार्च से मई तक होता है। ये पक्षी ज़्यादातर समय शांत रहते हैं लेकिन प्रजनन के समय इनकी काफ़ी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये पक्षी घोंसले बनाने के लिए ऐसे पेड़ का चयन करते हैं जिसके आसपास अन्य कोई पेड़ नहीं होता। ऐसा ये घोंसले की सुरक्षा के लिए करते हैं। नर व मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं। घोंसले का आकार काफ़ी बड़ा होता है जो मुख्यतः तिनकों से बनाते हैं। ये पक्षी एक ही घोंसले का बार बार हर प्रजनन के समय उपयोग करते हैं। दोनों पक्षी मिलकर पुराने घोंसले को पुनः ठीक करते हैं। मादा पक्षी 2 से 4 अंडे देती है। चूजे निकलने के बाद देखा जाता है कि बड़ा चूजा छोटे चूजों को घोंसले से नीचे गिरा देता है। वे ज़्यादातर ऐसा भोजन व जगह के लिए ही करते। चूजों को नर व मादा दोनों पालते हैं। नर पक्षी भोजन लाता है, मादा पक्षी इसके टुकड़े टुकड़े करके चूजे को खिलाती है। यदि कोई व्यक्ति इस घोंसले के आसपास आ जाता है तो ये पक्षी उसके अपने तेज नाखूनों से उस पर हमला कर देते हैं। ईस्टर्न इंपीरियल ईगल की भी संख्या घट रही है। दुनिया के इस पक्षी की संख्या काफ़ी हद तक कम होती जा रही है। यही कारण है कि इसे अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, एंडेंजर्ड श्रेणी में। मानव गतिविधियों के कारण इनकी संख्या काफ़ी घट रही है। मानवीय मूलभूत व्यवस्थाओं का विकास होने से इसका प्राकृतिक वास घट रहा है। जंगलों में हो रहे बदलाव के कारण भी इनकी संख्या में काफ़ी कमी हो रही है। किसी भी जगह के स्थानीय पेड़ों पर ही अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं लेकिन दुनिया भर में हो रहे नया पौधारोपण व कृषि विकास से इन्हें घोंसले बनाने के लिए उपयुक्त पेड़ व स्थान नहीं मिल पा रहा है। साथ ही जब इनके चूजे उड़ना सीखते हैं तो वे कम ऊपर उड़ते हैं तो बिजली के तारों से टकरा कर भी मर जाते हैं। इस पक्षी की आयु 21 से 45 वर्ष तक होती है। इस पे मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर मैंने सभी प्रकार के बर्ड्स हैं जो रैप्टर्स हैं इनकी मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप डाली है, कृपया जरूर देखें। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रिक्वेस्ट यह है कि आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें और आनंद लें। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं और कमेंट तो जरूर दें क्योंकि कमेंट ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं आपके विचारों से अवगत होऊंगा और आपके मार्गदर्शन के अनुसार आपके सुझावों के अनुसार मैं आगे बढ़ पाऊंगा। आपको पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करना और अपने मित्रों में अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करना ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए ऐसे निरंतर अच्छे उपयोग मस्त फ्रेंड। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर तो करना ही करना, और मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। आपका दिन बहुत मंगलमय और शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बीकानेर सिटी इन द ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ द नाप।
बसर एंड लाडनू रोड. दिस इज अ लाडनू रोड. ओके सर, हैव ए नाइस डे. थैंक यू फ्रेंड.